देश के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर से सुदूर श्रमोदय आवासीय विद्यालय के बच्चों के साथ बाल दिवस पाठशाला लगाकर मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को कई जीवन उपयोगी जानकारी भी दी। श्रमोदय आवासीय विद्यालय बैटमा खुर्द में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस बाल दिवस पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर सांसद शंकर लालवानी पहुंचे, जहां विद्यालय की छात्राओं ने तिलक वंदन कर आरती उतार कर उनका स्वागत किया। उन्होंने विद्यालय पहुंचकर सर्वप्रथम विद्यालय के मॉडल का उद्घाटन किया एवं बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर प्रवेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती, भगवान बिरसा मुंडा एवं चाचा नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। दो तीन दिन देख रहे, ये बड़े होकर बहुत बड़े कलाकार बनने वाले हैं। इनसे इनका नंबर मैं नोट कर लेंगे जब स्कूल से निकले तो ये बात मिलेगी कहीं ना कहीं कलाकार के रूप में। क्या उसमें लक्षण हो रहे हैं? मतलब अच्छा, क्योंकि इन्होंने डांस बहुत अच्छा किया, कॉन्फिडेंस था बेटे को। तो मैं कह रहा हूँ सारे स्कूलों में हजारों स्कूलों में और बच्चों के बीच बहुत सारे कार्यक्रम आए थे, पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि शिक्षक और वो भी प्राचार्य महोदय उनके साथ में आपके प्रस्तुति दे रहे हैं। ये किसी भी स्कूल में नहीं होता, ये होता है सिर्फ आपके स्कूल में होता है। आज का कार्यक्रम बाल दिवस, जैसा कि आपको सभी को मालूम है 14 नवंबर है, बाल दिवस है, और बच्चे जो हैं अक्सर पूरे सत्र के दौरान, पूरे साल के दौरान टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ हमेशा सम्मानपूर्वक हमारे लिए करते रहते हैं। आज हमने बच्चों के लिए कुछ विशेष किया था। हमारे शिक्षकों ने एक प्रस्तुति दी थी बच्चों के लिए, जो बच्चों के बहुत मन भाई, और बच्चों ने उसके बदले में हमसे प्रॉमिस किया है कि वो 100% रिजल्ट देंगे। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हैं हमारे पास माननीय श्रद्धेय हमारे सांसद जो हैं श्री शंकर लालवानी जी उपस्थित हुए। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ पल हमारे लिए निकाले और बच्चों से उन्होंने जो कन्वर्सेशन किया, बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने बिरसा मुंडा जी के बारे में बताया, इवन नेहरू जी के बारे में बताया और उनसे बिल्कुल अंतरंग वार्ता की, तो बच्चों ने उनको बिल्कुल अपने मित्र की तरह जाना और उनसे बातचीत शेयर की, अपनी भावनाएं शेयर की। तो हम आशा करेंगे कि आगे कभी और समय उनको मिले हमारे विद्यालय में अवश्य पधारें और हमारा पूरा विद्यालय परिवार उनका ऋणी रहेगा, उनका शुक्रगुजार रहेगा कि उन्होंने इतना कीमती समय हमको दिया। आपका नाम और पद? सीमा सलवान, प्राचार्य श्रमोदय आवासीय विद्यालय इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।